हेलो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर एक पतंग मैं लड़ा रहा हूँ ऊपर से और मेरा अपोनेंट नीचे से, ये देखिए। और देखिए मैंने काट दिया और मैंने इसमें क्या किया, तो यार आज इसी वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या किया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, ये रही ब्लैक कलर की मेरी काइट है जो, और जो मेरे अपोनेंट की है वो ऊपर से आया हुआ है, ऑरेंज कलर की है, आपको दिख रही होगी धूप में चमकती हुई। तो फ्रेंड्स मैं नीचे से हूँ, तो देखिए क्या होता है। ये देखिए वो मेरा अपोनेंट जो भी है वो पतंग नीचे नहीं ला रहा है, ऊपर ही ऊपर रखे हुए, अभी देखिए नीचे लाया। और यहाँ पर हम अपना पोज लेंगे और ये हमने खींची, देखिए आप लोगों को दिखी होगी ऑरेंज वाली की हमने पतंग काट दी है। तो अब हम अपनी पतंग ऊपर कर लेते हैं और वेट करते हैं दूसरे का। तो यार फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक छोड़ दी है, तो जो करना चाहे भाई कर सकता है। सो फ्रेंड्स, ये रहा जो ऑरेंज वाला था मेरा अपोनेंट, उसने दूसरी पतंग उड़ा करके ला दी है। और यार यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है, जो सामने आपको ब्लू कलर की टंकियाँ दिख रही होंगी, मेरी पतंग का डोर उस पर फंस चुका है और मेरी पतंग भी काफ़ी आगे है। ये देखिए यार, यहाँ तो मेरी पतंग कटनी ही है 100%, क्योंकि मेरी पतंग का डोर फंसा हुआ है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। और जो मेरा अपोनेंट है उसको मेरी छत यार साफ साफ दिखती है, तो वो भाई इस बात का पूरा फ़ायदा उठाता है और मेरी छत के ही पास बिल्कुल पतंग लाता है अपनी। तो अभी मैं दिखाता हूँ क्या होता है। ये देखिए मैं बचाने के लिए अपनी पतंग नीचे कर लेता हूँ बार बार, ताकि शायद से धागा जो है वो छूट जाए टंकी से, बट यार वो छूट नहीं रहा है। तो ये पतंग तो मेरी चली ही गई, कट गई दोस्तों यहाँ। तो भाई हुआ क्या कि हवा हो गई चेंज, तो हमने पतंग दोबारा से उड़ाई है, वो भी हवा इधर साइड की अब आ गई है अच्छे से। अभी अच्छे से नहीं आई, हमें पतंग पे काफ़ी झटके देने पड़ रहे हैं। तो ये देखिए अब हम पीछे से हो गए, तो हमारा पेच ऊपर का रहेगा, कहने का मतलब मेरी पतंग ऊपर से रहेगी और जो अपोनेंट जो अभी ऊपर से था वो नीचे से आएगा। तो ये देखिए यार, इधर तो सर्किल शो करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि केवल दो ही पतंगें उड़ रही हैं और काफ़ी दूर पे जा चुकी हैं। तो ट्राई करते हैं काटने की। ये देखिए हमारा अपोनेंट नीचे से भरना शुरू कर रहा है। ये देखिए हमने भी भरा इधर पतंग, और ये हमने बाहर को दिखाया हल्का सा। तो दोस्तों हुआ क्या कि ये वाली मेरी पतंग थोड़ा सही नहीं उड़ रही है, इस वजह से मैं ज़्यादा नीचे पतंग ले नहीं जा रहा हूँ। ये देखिए मैंने खींचा और पतंग काट दी। तो शायद से आपको समझ आया दोस्तों मैंने क्या किया, ऊपर से मैं अपनी पतंग ले गया और बाहर की ओर मैंने खींची, और जैसे ही अपोनेंट ने पतंग खींची उसकी कट चुकी। तो फ्रेंड्स और भी पेज दिखाएंगे। ये देखिए हमारा अपोनेंट दूसरी पतंग उड़ाता हुआ, शायद से आपको दिख जाए। और ये देखिए टंकी पे बंदर बैठे हुए हैं, और बंदरों से राइट साइड की ओर अभी आपको अपोनेंट की पतंग दिखेगी, ये रही जो कि उड़ती हुई। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरी 2 से 3 वीडियोस हैं जिन पे आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिखाया है, और यार वो 2K+ पे जा चुकी हैं, तो मैं उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, जिसे देखना हो या जिसने ना देखी हो तो भाई देख सकता है। और फ्रेंड्स मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे आज ही, मतलब उसने मुझे आज ही क्वेश्चन किया कि डबल का पेज क्या होता है, तो भाई मैं उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो पे बना दूँगा, मतलब इस पे बताऊँगा वो भी फुल डिटेल के साथ कि डबल का पेज क्या होता है, क्योंकि ये वीडियो मेरी रेडी हो चुकी है, बस अपलोड करना था और एडिटिंग। सो मैं अगले पेज पे पूरा, अगले वीडियो पे पूरा कवर करने वाला हूँ इसी टॉपिक पे, और जिसे भी मतलब इस टॉपिक से इंटरेस्ट हो तो वो
मुझे कमेंट कर सकता है। तो आप लोगों ने शायद देखा हो इस पर क्या हुआ। तो भाई इस पेज पे मेरी पतंग वैसे ही ख़राब थी, मेरे अपोनेंट ने मुझे ज़रा सा भी मौका नहीं दिया, तो वो पतंग मैं जानबूझ के कट गया। और ये मैं नई पतंग छोड़ रहा हूँ, वो भी अच्छी। ये देखिए साइड से आपको दिख रही हो मेरे मंजे चरखी जो कि खाली होती जा रही है, इसमें दो या तीन रीली बचा है। और ये रहा पतंग गिलहरा, ब्लैक पे वाइट। तो आप लोग देखते रहिए, मैं पतंग पार करा लेता हूँ। ये देखिए हमने पतंग पार करा ली है, शायद से आपको दिख जाए। सो यार ये रहा मेरा अपोनेंट जो कि नीचे से भरना शुरू कर चुका है, और अब हमने भी भरी, ऊपर से हमने भरना शुरू किया पतंग और अब नीचे पटकेंगे। तो ये देखिए हमने, तो भाई ये वही पेज है जो मैंने शुरुआत पे दिखाया था। तो यार इसमें हुआ क्या कि अपोनेंट ने मेरे फिर से वही चाल चली कि उसने मुझे मौका ना देने की सोची। तो यार मैं अपनी पतंग बचा रहा था इससे और ऊपर की, और मैंने जैसे ही खींची तो भाई साहब मेरा जो पतंग का झोल होता है, जो लटकने वाली डोर होती, वो इसके कन्ने पर फंस गई। और भाई मैंने जो खींचा है इसकी पतंग चली गई। तो फिर यार देखते हैं नेक्स्ट पतंग लाता है, ले आया भाई। तो मैंने स्किप कर दी थी वीडियो और उसकी पतंग पहुंच चुकी है मेरी पतंग के नीचे। अभी देखिए मेरी पतंग ऊपर से नीचे आती हुई दिखेगी आप लोगों को। तो भाई काफ़ी दूर लड़ रहा है, तो पतंगें आपको बहुत छोटी दिख रही होंगी। तो भाई आप लोग 720 पर देखिए, वरना आपको पतंगें क्लियर नहीं दिखेंगी। ये देखिए मैंने पतंग नीचे लाई और मैंने खींचा खींचा खींचा, दोस्तों उसने अपनी पतंग बचा ली, क्योंकि मैं उसके कन्ने के ही पास मार रहा था, इस वजह से मेरी डोर उसकी पतंग पे नहीं आ पाई। तो फिर से कोशिश करेंगे हम अपनी पतंग को थोड़ा सा पार कराएंगे, क्योंकि शायद से मेरी पतंग पार नहीं है, और फिर ऊपर से ट्राई करेंगे। ये देखिए उसने फिर से भरना शुरू किया और हमने भी भरना शुरू कर दिया है। और ये देखिए फिर से पोजीशन लेते हुए हम, तो भाई ये खींचा तो उसने पतंग नीचे बिठा ली। वो चाहता कि मैं और पतंग पार करा करके लाऊँ, तो पार करा लेते हैं। भरना शुरू कर दिया मैंने, अब उसने भी काफ़ी भर लिया। ये देखिए अब पोजीशन आ गई खींचने वाली। ये हमने खींचा खींचा तेज़ी से और भाई उसने अंदर दिखाया, हमने चक्कर दे दिए। तो भाई इस पर क्या हुआ कि जैसे ही मैंने पावर से खींचा तो भाई बंदा काफ़ी होशियारी के साथ मेरे हाथ की तरफ दिखाने लगा और मैंने चक्कर दे दिए। और ये देखिए अब उसकी पतंग कट गई और हम फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद से फंस जाए। तो भाई यहाँ पर पतंग नहीं फंसती है, बहुत हमने कोशिश की शायद फंस जाए बट नहीं फंसी भाई। और घर की वजह से मुझे दिख भी नहीं रहा था, तिरछा होना पड़ रहा था ये सामने ग्रीन वाले घर की वजह से। तो यार हमने पतंग अपनी ऊपर कर ली है। तो ये देखिए पीछे से बच्चे उड़ा रहे हैं और आगे भी काफ़ी पतंगें उड़ रही हैं, और अब यार अंधेरा होने लगा है। और वो पतंग तो यार मेरी कट चुकी, अब भाई मैं नई पतंग उड़ा रहा हूँ, ये ग्रीन कलर वाली। आगे दो तीन उड़ रही थी, इस वजह से मैंने उड़ा दी, मेरे अपोनेंट ने तो अब पतंग देनी बंद कर दी। तो देखिए इस पे क्या होता है भाई। ये देखिए मैं पतंग पार करा रहा हूँ। हमने खींच के देखी, पतंग एकदम अच्छी उड़ रही भाई। तो पार करा लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। और सामने भी पतंगें लड़ रही हैं यार, ये मेरी नहीं है, किसी और की हैं जो कि लड़ रही हैं। और ये ग्रीन वाली मेरी जाती हुई, ये देखिए मेरी पतंग पहुंच चुकी है दोस्तों। और जो हमारी पतंग है वो ऊपर वाली, शायद से आपको दिख रहा हो क्योंकि अंधेरा सा हो गया है। और ये हमने ऊपर से पोजीशन ली और भाई मारा देखिए आप देखते जाइए भाई, पूरा मारा बट पतंग कटी नहीं अपोनेंट की।
भाई यहाँ हुआ क्या कि इसने अपनी पतंग आगे साइड कहीं धागा फंसा दिया पेड़ वगैरह पे, इस वजह से पड़ा नहीं, और ये चाह रहा है कि मैं नीचे से लड़ाऊँ। सो यार अब हम इसकी पतंग पे नीचे जाने वाले हैं, तो देखिए ऊपर वाली पतंग हमारी है जो कि अभी हम नीचे ले जाएंगे। अब देखिए उसने नीचे से पतंग हटाई, अब हम नीचे जाएंगे दोस्तों। तो उसने काफ़ी पतंग ऊपर कर दिए और मुझे नीचे जाने के लिए मौका दे दिया है। ये देखिए मैं नीचे जाने लगा दोस्तों, और पूरा भरा भरा, और उसने पूरी तरीके से पतंग मेरी पतंग पे पटक दी दोस्तों, देखिए, और चक्कर दे रहा है, और ये हमने खींच कर काट दी। उसे लगा कि वो ऊपर से चक्कर देकर मेरी पतंग आसानी से काट सकता है, इस वजह से उसने मुझे नीचे से बुलाया, बट यार उसे कहाँ पता था कि मैं इतनी तेज़ खींच लूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और यार जो भी नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। तो यार ये वीडियो यहीं पर एंड होता है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।